बालों का गिरना या टूटना किसी बीमारी या किसी जिस्म के हिस्से की कारकर्दगी में खराबी या मौरूसी वजूहात के सबब होता है। ये अक्सर मरहला वारिया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। आम अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 100 के करीब रोजाना बाल टूटते हैं। बाल मर्द के हों या औरत के, वकार और खूबसूरती से इनका खास ताल्लुक है। बिलाशुबा ये कुदरत का बेशबहा अतिया है जो इंसानी जिस्म को खूबसूरती अता करता है। यही वजह है कि हर कोई घने और सिया बाल पसंद करता है और सबसे ज्यादा तवज्जा इंसान उन्हीं पर देता है। सब इसी फितरी ख्वाहिश और तवज्जा के मजाहिर हैं। बालों के अमराज में कमजोर शुदा बाल आहिस्ता आहिस्ता गिर जाते हैं और उनकी जगह नए बाल आ जाते हैं। बालों का गिरना भी जरूरी है ताकि उम्र के हिसाब से नए बाल आ सकें। मगर कबल अस वक्त बाल गिरना एक परेशान कुन बात है। मर्दों के सर के बाल अमूमन 50 साल की उम्र में गिरना शुरू हो जाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक मालूम हुआ कि सर के उस हिस्से में जहां से बाल गायब हो चुके थे, एक मखसूस प्रोटीन PGD2 की सतह बालों वाले हिस्से से 3 गुना ज्यादा थी। PGD2 प्रोटीन की सतह मामूल पर लाने के मस्बत नतायज निकले और बालों का गिरना रुक गया। लेकिन इस अमल से गिर जाने वाले बालों को वापस नहीं लाया जा सकता। एक मशहूर तहकीक के मुताबिक अगर ऐसे मुरक्कबात का खोज लगाया जाए जो प्रोटीन PGD2 की सतह बढ़ाने का सबब बनते हैं, उसके जरिए बालों की काफी बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। एक रिसर्च के दौरान मालूम हुआ कि बालों की अफजाइश का ताल्लुक APCDT1 नामी एक जीन से है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मॉलिक्यूलर डर्मेटोलॉजी के प्रोफेसर एंजेलिना क्रिस्टन वॉस तहकीकी टीम की सरबरा थीं। इस टीम में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ साथ न्यूयॉर्क की रॉकफेलर यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान और इटली के साइंसदान शामिल थे। क्रिस्टिनो ने बताया इस बीमारी की वजह सर की जिल्द में वाकई उनकी नाली नुमा गिजों का सुकड़ना है जिसमें बाल की जड़ें होती हैं। इन हदूद के सुकड़ने का नतीजा ये निकलता है कि सर के बाल पहले जैसे घने और लंबे नहीं रहते और वो तादाद में कम और छोटे हो जाते हैं और वो पहले जैसे चमकदार नहीं रहते। सर के बाल जिल्द का एक जायद हिस्सा है जिन्हें हम बालों के हदूद या गिल्टियाँ कहते हैं। बालों की जड़ें हकीकी जिल्द के नशेब में 4/1 से 12/1 इंच तक गहरी होती हैं, यानी जिल्द के बाहर बेजान होते हैं। इस वजह से जब हम बाल कटवाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बरखिलाफ बालों की जड़ एक जिंदा फाल रेशा है। इनकी परवरिश खून के बारीक रगों से होती है और इनकी ताकत एसाब के जरिए बरकरार रहती है। बालों की पैदाइश के 3 मराहल हैं। पहले मराहल में पैदा होकर बढ़ते हैं, दूसरे मराहल में गिरते हैं। इंसानी जिस्म जिल्द में फालियाती और मर्जियाती तब्दीलियों का बालों की सेहत से गहरा ताल्लुक है। आमतौर देखने में आया है इन तब्दीलियों से ही बाल गिरकर खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा बाल झड़ने के असबाब में जिन्याती मौरूसी असरात भी शामिल होते हैं। जबकि शदीद अमराज जैसे शद्दत बुखार, तेज केमिकल अद्वियात के अलावा किसी जहनी कैफियत, खून की कमी, नुक्स तग्जिया और थायराइड ग्लैंड की खराबी और बास खवातीन दौरान हमल बाल तेजी से झड़ते हैं मगर कुछ अरसे के बाद अमूमन खुद ही आ जाते हैं। ऐसे लोग जिनके खून की कमी से बाल गिरते हैं, मुकवी गिजाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक परेशान कुन मर्ज है। इसका शिकार ज्यादातर मर्द होते हैं। आमतौर पर सर में खुश्की या भूसी हो जाती है, इसे डैंड्रफ भी कहा जाता है। इस मसले में सर की जिल्द से एक चिकनी रतूबत बहती है जो जिल्द को खुश्की से बचाने के लिए सर के हुदूद से निकलती है, मगर जब ये रतूबत ज्यादा बनने लगे तो बहती है। बाज लोगों में जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी कभी कभार हो जाती है और खुश्की पैदा करती है। इसमें आमतौर पर सर में खारिश होती है जिससे भूसी उतरती है। ये खुश्की सर की जिल्द के मसामों को बंद कर देती है और मैल कुचैल खारिज नहीं हो पाता। धूप और ताज़ा हवा भी नहीं लगती जिससे बालों की जड़ कमजोर हो जाती है और बाल गिरने लगते हैं। इसकी एक वजह खून की कमी और गिजाई कमी भी है। कबल अज़ वक्त बालों का सफ़ेद होना बड़ा तशवीशनाक होता है। अगरचे जिस्मानी सेहत पर इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन जहनी और नफसियाती तौर पर इसका रद्देअमल नाखुशगवार होता है। बालों को कुदरती तौर पर सिया रंग देने वाला मादा जिल्द के अंदर होता है और एक दफा बाल के जिल्द से बाहर आ जाएं तो उसका रंग तब्दील नहीं होता। फिर बाल के अंदर सुराख होता है, उसमें रंगत का मादा चर्बी होती है। ज्यादा बालों में रंगदार मादा ज्यादा है। उम्र के साथ साथ इस रंग की पैदावार कम हो जाती है और आखिरकार खत्म हो जाती है। उसमें रंगत का मादा और चर्बी होती है। सिया बालों में रंगदार मादा ज्यादा है, चुनाचा पहले बाल भूरे और फिर सफेद हो जाते हैं। ये तो तिबी अमल है, मगर वक्त से कबल बच्चों और नौजवानों में बाल सफेद हो जाने की वजूहात में मौरूसी असरात के अलावा खून की कमी से भी रंगत में फर्क आ जाता है। मगर अभी तक कोई भी सबब मालूम नहीं हो सका, मगर माहिरीन के तजुर्बात से मुशाहदे में आया है
کہ دائمی نزلہ، زکام، دماغی کمزوری اور نظام ہضم میں خرابی کی وجہ سے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے۔ ایک طبی اور نفسیاتی تحقیق کے جریدے اسٹریس میں معالج ریسرچ کی تازہ تحقیق کے مطابق انسانی جسم میں تناؤ یا اسٹریس کی کیفیت سے انسانی بالوں میں اسٹریس سے منسلک ہارمون کارٹیزول کی موجودگی بڑھ جاتی ہے، اور یہی بڑھا ہوا لیول دل کے عارضے کی اطلاع مہینوں پہلے کلینک ٹیسٹ کے ذریعے ڈاکٹر اور مریض کو دے سکتا ہے۔ انہی محققین نے مختلف 56 لوگوں کے بالوں پر تحقیق کی۔ یہ بال ان لوگوں کے تھے جو عارضہ قلب میں مبتلا ہو کر مختلف ہسپتالوں میں داخل تھے۔ اس کے علاوہ 26 ہی دوسرے مریضوں کے بالوں کی لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے بغور جائزہ لیا گیا۔ وہ مریض جو عارضہ قلب میں مبتلا تھے، ان کے بالوں کی کلینیکل ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ ان میں ہارمون کورٹیزول کی زیادہ مقدار میں موجود تھی۔ انسانی سر کے بال ایک ماہ میں 1 سینٹی میٹر بڑھتے ہیں، اور 6 سینٹی میٹر کا بال گزشتہ کئی ماہ میں ہارمون کورٹیزول کی موجودگی اور بلند سطح کی نشاندہی دے سکتا ہے۔ اسی طرح بال خواتین کی خوبصورتی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لمبے اور گھنے بال خواتین کا ایک خواب ہوتا ہے۔ لمبے بالوں کے لیے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر ان کی حفاظت بہتر طریقے سے نہ کی جائے تو بال خراب ہو جاتے ہیں۔ خشکی بالوں کی سب سے بڑی دشمن ہے، جو غیر محسوس طریقے سے بالوں پر حملہ آور ہوتی ہے اور بالوں کی خوبصورتی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے کنڈیشن کا استعمال زیادہ نہ کریں، بلکہ اس کریم کا استعمال کریں جو خاص طور پر سے بالوں کو نمکیات سے بچانے کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ بالوں کو دھوپ سے بچائیں، بالوں کو خشکی سے بچائیں۔ بالوں کو خشکی سے بچانے کے لیے اپنی غذا میں اعتدال سے کام لیں، کیونکہ زیادہ چربی سے بھی بالوں کی جڑیں مضبوط پڑ جاتی ہیں اور بال بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ بالوں کی چمک اور خوبصورتی بڑھانے کے لیے تیل سے ہلکا ہلکا مساج کریں، اور اس سے بالوں کی خوبصورتی بھی برقرار رہے گی اور بال خشکی سے بچ جائیں گے۔ اگر بالوں کے 2 منہ نظر آنے لگے تو فوری طور پر انہیں کاٹ دینا چاہیے تاکہ بالوں کی فطری خوبصورتی قائم رہے۔ ناریل کا تیل لگانے سے خشکی دور ہو جاتی ہے۔ بالوں کی بیماریوں کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ سر پر کپڑا نہ رکھنے کی وجہ سے سر میں مٹی، گرد و غبار پڑنا ہے، اور بالوں کی حفاظت نہ کر پانے کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کئی اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔